फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड, डिप्रेशन का नोट्स देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है साइकेट्री की, जो कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में यूज होती है और ये मोस्ट कॉमनली पूछा भी जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। इन द फ्यूचर आपको सबसे पहले ज़्यादा ये पूछता है कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का चलो बताओ, क्योंकि मोस्ट कॉमनली जो होता है डिप्रेशन जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है। हर कोई बंदा बोलता है कि मैं डिप्रेस में चला गया हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई डिप्रेशन में हूँ। तो एक्चुअली डिप्रेशन क्या होता है हम पढ़ रहे हैं तो हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एज ए नर्स जब वर्क करते हैं तो हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, डिप्रेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग बोलते वही डिप्रेशन होता है, क्या होता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम साथ ही इसका नोट्स भी देख लेंगे, तो देखते हैं क्या इसका इंट्रोडक्शन क्या बनता है। ठीक है, डिप्रेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिप्रीमर। कौन डिप्रेशन वर्ड कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। कौन से लैटिन वर्ड से? डिप्राइमर से। उसका मतलब क्या होता है? प्रेशर डाउन। मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है कि अंदर के बॉडी के अंदर जो होता है, जो भी प्रेशर डाउन, मतलब प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स, एक तरह का बल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसको बोला। मतलब इन द सेंस जैसे जैसा क्या होता है कि जैसे डिप्रेशन होता है, ठीक है, तो उस वैसे इंसान को लगता है कि क्या हो रहा है कि प्रेशर उसके ऊपर और पड़ रहा है, डाउन उसकी तरफ, नीचे की तरफ और प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, जब भी हम डिप्रेस होते हैं तो अपने से कोई काम नहीं होता, हमसे काम नहीं होगा, तो क्या होगा, प्रेशर हमको पड़ रहा है तो हम प्रेशर की वजह से हम जो डिप्रेशन चल जाते हैं और हम वो काम नहीं कर पा जाते हैं। तो क्या है लैटिन वर्ड, क्या है पहला, क्या ये क्या है, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है डिप्राइमर से, उसका मतलब क्या होता है, प्रेशर डाउन। सबसे पहले डिप्रेशन जो वर्ड जो होता है किसने यूज किया था? हिप्पोक्रेट्स ने यूज किया था। सबसे पहला वर्ड डिप्रेशन का यूज हिप्पोक्रेट्स ने किया था। बाय किसके थ्रू किया था? मेलनकोलिया के थ्रू। किसके थ्रू किया था? मेलनकोलिया के थ्रू। मेलनकोलिया आज के ज़माने में हम इसको क्या बोलते हैं, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का टाइप होता है, सॉरी डिप्रेशन का टाइप होता है जो कि सैडनेस ऑफ मूड को शो करता है। तीसरा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। जैसे क्या होता है कि सर्दी जुकाम हमें होता रहता है, हर सीजन में होता रहता है, लगातार भी हो सकता है, तो जैसे सर्दी जुकाम हमको होता रहता है, बार बार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी है, कल नहीं हो सकता, मतलब ये होता रहता है, समय समय पर होता रहता है, तो उसी तरह सेम क्या होता है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जो डिप्रेशन होता है ना, वो कॉमन कोल्ड की तरह है, वो क्या होता है, लगातार देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए बोलते हैं क्या, ये कॉमन कोल्ड की तरह रिजेंबल करता है। सिंपल से क्या हो सकते हैं, मूड डिसऑर्डर, लॉस ऑफ इंटरेस्ट वार प्लीजर इन लाइफ लिविंग। एक ऐसा मूड डिसऑर्डर होता है, क्या होता है उसमें कि जो जो ह्यूमन होता है उसका इंटरेस्ट होता है वो लॉस हो जाता है, जो प्लीजर होती है खुशियाँ वो भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ये हमारा इंट्रो, आगे हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कॉमन डेफिनेशन क्या बन सकती है। डिप्रेशन इज अ मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय सैडनेस ऑफ मूड, पॉवर्टी ऑफ आइडिया एंड साइकोमोटर रिटार्डेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो मूड होती है वो सैड होता है, हमको हमेशा दुखी दिखने को मिलता है, हमको पॉवर्टी, हमारे जो विचार आएंगे वो बहुत ही निचले स्तर पर बहुत ही ख़राब आते हैं कि मरने की चाहत होगी, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है, और कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, अपने मर ही जाते हैं, ठीक है, ज़िंदगी में क्या रखा है, ये सब छोटे लेवल के विचार क्या दिमाग में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही जो हमारा साइकोमोटर, मतलब जो है, जो हमारे जो हमारा ब्रेन के जो फंक्शन है, नॉर्मल जो फंक्शन है, वो क्या होता है, वो पूरी तरह रिटार्ड हो जाता है। तीनों चीज़ क्या क्या होता है, मूड सैडनेस मूड हो जाता है, पॉवर्टी हवाड़िया देखने को मिलती है, और साइकिल मोटर जो है रिटार्डेशन देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिप्रेशन बोल देते हैं। एक अकॉर्डिंग टू WHO देखते हैं, उन्होंने क्या बताया था, इट इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विथ डिप्रेस मूड। ये क्या है, एक तरह की कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, एक कैसे प्रेजेंट होता है, डिप्रेस्ड मूड के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें डिप्रेस मूड होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा और प्लेजर भी हो सकता है। ठीक है, वही क्या, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया पेशेंट का दिखाई देगा, पर्सन का दिखाई देगा अपने को, प्लेजर भी दिखाई देगा उसको, फीलिंग ऑफ गिल्ट भी होगी। ठीक है,
ठीक है, लो सेल्फ वर्थ होगा, आप उसको उसके खुद के ऊपर कुछ भरोसा नहीं रहेगा और उसको अपने आप को बहुत गुस्सा है, गिल्ट होगी उसको कि मैंने ऐसा कैसा हो गया, मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ, कि अपने आप पर होगा। उसकी जो है स्लीप जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी लो एनर्जी होती है और पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। मतलब WHO ने क्या बताया था, WHO ने बताया था कि एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें मूड डिप्रेशन मिलता है पेशेंट का, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसकी प्लेजर कम हो जाती है लाइफ की, फीलिंग ऑफ गिल्ट होता है, लो सेल्फ वर्थ होता है उसका, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होता है, एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाता है उसका, एनर्जी डिस्टर्ब होती है उसकी और पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन दिया था बाय WHO ने इसको दिया था। आगे हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, हम चलते हैं कि डिप्रेशन की जो है और क्या बन सकता है डेफिनेशन। ठीक है, जो डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू देखते हैं क्या साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका या साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या बताया था डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इनका था डिप्रेशन इज अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस। डिप्रेशन क्या है, एक कॉमन और सीरियस मेडिकल इलनेस होती है। ठीक है, दैट नेगेटिवली इफेक्ट, ठीक है, क्या करती है, नेगेटिवली इफेक्ट करती है हमको, कैसे जैसे क्या इफेक्ट करेगी, हाउ वी फील, जो हम फील कर रहे हैं, जो अच्छा फील कर रहे हैं वो क्या तुम गलत फील कराने का नेगेटिव, जैसे अच्छा फील करते हैं पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो डिप्रेशन में क्या होगा, हमको नेगेटिव फील होने लगता है। जैसे कि पॉजिटिव फील करते हैं कि हम क्या है मेंटल हेल्थ पूरा पढ़ लेंगे, डिप्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, पूरा डिप्रेशन पढ़ लेंगे, लेकिन डिप्रेशन पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन हो गया तो अपने वो क्या होगा, फील ही नहीं होगा, अंदर से आएगी नहीं कि हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट, जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से सोचने का तरीका, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वहाँ पर निगेटिव थिंकिंग आ जाएगी, और हम अगर पॉजिटिव कोई काम कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो वो उसको जो है निगेटिव काम करने लगेंगे। ठीक है, था बाई साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने दिया था। डिप्रेशन इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फीलिंग सैड, ये वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा उन्होंने क्या बताया था, डिप्रेशन जो है डिफाइंड करता है स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ सैड होता है, एक ऐसा स्टेट होता है बॉडी का जिसमें क्या होता है, एक स्टेट मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, हमको सैडनेस फील होता है। अब देखते हैं इसका इंसिडेंस रेट कितना होता है, कितने इंसिडेंस रेट में कितने कितने प्रेजेंट डिप्रेशन कितना प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रीवेलेंस रेट मोर इन वुमेन कंपेयर टू मैन, जो प्रीवेलेंस जो चांसेस होता है डिप्रेस होने का क्या होता है, वो महिलाओं में ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू पुरुष, लेकिन महिलाओं का कम का डराने का काम होता, लेकिन जो सुसाइड जो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं वो सुसाइड जो है महिलाएं नहीं कर पाती हैं एज कम्पेयर टू पुरुष, ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं। दूसरा क्या है, एवरी फिफ्थ पर्सन ऑफ वर्ल्ड डिजीज ऑफ विथ डिप्रेशन, मतलब कि दुनिया में हर एक पांचवा इंसान जो है वो क्या है, डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये जो मिडिल एज वुमेन होती है जो 40-50 एज की होती है उसमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें मेनोपॉज आ जाता है, मेनोपॉज की वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से जो है इनके अंदर जो है डिप्रेशन देखने को मिलता है। और क्या होता है कि महिलाओं में डबल होता है, मतलब इन द केस अगर दो महिलाओं को हो रहा तो एक सिर्फ पुरुष को डिप्रेशन देखने को मिलता है। 4.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया सफर फ्रॉम डिप्रेशन, मतलब टोटल जो है हमारी आबादी का जो है, अगर आज हमारी आबादी 1.35 ठीक है बिलियन है, मतलब 135 करोड़ हमारी आबादी है, तो 135 करोड़ आबादी में जो होती है 5 से 6 करोड़ ऐसे लोग हैं, 5-5.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन का शिकार है। तो है, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि क्या क्या टाइप्स बन होते हैं डिप्रेशन के। तो सबसे पहला हमारा टाइप्स क्या है डिप्रेशन का, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या फिर इसको बोलते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन भी बोलते हैं। इट इज एन इंटेंस, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप में, खतरनाक इन बोल रहे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती, और ओवरवेलमिंग सिम्पटम लास्ट लॉन्गर फॉर 2 वीक्स, ये ज़्यादा खतरनाक सिम्टम होती है और लंबे समय तक जो क्या है 2 वीक्स से ज़्यादा प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है, इंटरफेयर विथ एवरीडे लाइफ, जो एवरीडे लाइफ होता है उसमें क्या है इंटरफेयर करती है, चेंजेस लाती है, उसकी वजह से होता दिखाई देने को मिलता है। मतलब ये जो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है ये ज़्यादा
इमरजेंसी में इंटेंस है, ठीक है, घातक है, ठीक है, और जो है इसमें ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है, और जो है सीरियस डिसऑर्डर है, ठीक। और ये क्या होता है, ये जो डेली लाइफ का जो डेली जो रूटीन लाइफ, तो वो उसको इंटरफेयर करती है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या हो सकता है। हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है, बाइपोलर डिप्रेशन। क्या है? बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन क्या होता है, बाई मतलब दो, ठीक है, दो चीज़ों का इसमें मिलन होगा जिसकी वजह से डिसऑर्डर होता है। मतलब जो पेशेंट होगा उसके अंदर मेनिया कंडीशन, हल्का हल्का दिमाग कभी ज़्यादा उत्साहित होगा और अचानक क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब अल्टरनेट पीरियड में जो होता है पेशेंट का मूड जो होता है खुशी की तरफ जाता है, और अल्टरनेटिव जो अचानक जो होता है अचानक खुश होगा और अचानक क्या होगा, दुखी हो जाता है। ड्यूरिंग लो पीरियड मूड फीलिंग सैड होपलेस और लैक ऑफ एनर्जी। जब जो भी लो पीरियड होता है, जब भी जो मूड डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है, इसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, होपलेसनेस होती है, और लैक्टेटिंग एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। तीसरा क्या है, पेरिनेटल। पेरिनेटल डिप्रेशन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ये आपने पढ़ा पेरिनेटल होता है, ठीक है, जब वो होती है, जब ऐसी प्रेगनेंसी होती है, ऐसी डिप्रेशन होता है जब 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 प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, मतलब जो बच्चा जन्म से पहले जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रीनेटल। तो जन्म से पहले की जो बच्चे को लेकर के, बच्चा जिंदा है कि नहीं है, बच्चे को फीडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही, बच्चा हाथ पैर क्यों नहीं मार रहा है, बच्चा को कोई बीमारी तो नहीं है, बच्चा बच्चे का हेल्थ अच्छा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें क्या है, सोच सोच के जो है महिला के अंदर क्या होता है, किस तरह का डिप्रेशन जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीनेटल डिप्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल सैडनेस मूड होगा, वरी होगा। और चौथा हमारा पोस्टनेटल या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है, ये क्या होता है, ऐसा डिप्रेशन जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी हो या आफ्टर डिलीवरी होता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी होगा, ठीक है, पोस्टपार्टम पीरियड में प्रेगनेंसी के बाद, या डिलीवरी जैसे हो गया, बच्चे को कैसे पालन करें, कैसे खाना खिलाएं, फिटिंग करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, इसको पाल पाएंगे नहीं पाल पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जो होता है अंदर से डिप्रेस फील होता है। आगे हमारा है परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जो होता है पेशेंट को क्या होता है, लगातार होता रहता है, ठीक है, मतलब कि ऐसा डिसऑर्डर जो होता है जो कि जो सिम्टम फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ जो होता है वरी, जो चीज़ होगा ये क्या होगा, ये मोर देन जो होता है दो साल से ज़्यादा प्रेजेंट होगा, लंबे समय तक प्रेजेंट होता है, उसको परसिस्टेंट डिप्रेसिव, परसिस्टेंट मतलब क्या होता है, लगातार डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, बोलते हैं परसिस्टेंस, इसको आल्सो क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया भी बोलते हैं। और डिप्रेशन क्या हमारा एक है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। मतलब क्या होता है इसका, कि जब एक प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर डिप्रेशन होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले फीमेल्स में वो क्या होता है, उनके अंदर जो बॉडी के चेंजेस होते हैं, पेन होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, वो घबरा जाती है, और वो महिला जो क्या होती है, डिप्रेशन में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर बोलते हैं। डिप्रेशन अकरिंग ड्यूरिंग डे वा वीक ऑफ द ईयर, मतलब जो है जब महिला का चलता रहेगा मेंसेस, दिन चलते रहेंगे, या जब मेंसेस दिन आने वाले रहेंगे, उस दिन में क्या उसको प्रेगनेंसी महसूस होती है। डिप्रेशन में अकर बिफोर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर हो सकता है, कि डिप्रेशन जो है उसको पहले भी हो सकता है और वन वीक बाद भी हो सकता है। आगे क्या है, मेलनकॉलिक डिप्रेशन। मेलनकॉलिक डिप्रेशन क्या होता था, कि सबसे पहले यही टर्म दिया था किसने, हिपोक्रेट्स ने, क्या बताया, सडनेस ऑफ मूड होता है, और ये किस्म को देखने ज़्यादा मिलता है, ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो मेलनकॉलिक जो होता है, इसमें क्या होता है, इस सोशल टेंडेंसी इसमें पेशेंट की ज़्यादा बन जाती है, पेशेंट ज़्यादा ज़्यादा डेथ होने की, ज़्यादा ज़्यादा मरने की सोचता है। और हमारा नेक्स्ट जो टाइप है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मतलब जैसे जो है सीजन चेंज होते हैं, जैसे इंडिया में क्या होता है कि कभी गर्मी होती है, ठंडी होती है, बरसात होती है, जैसे जैसे सीजन चेंजेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो डिप्रेस हो जाता है। गर्मी आ गई, अरे यार कितनी गर्मी पड़ेगी, ठंडी आ गई कितनी ठंड पड़ेगी, इतनी बारिश क्यों हो रही है, क्या होता है कि पर्टिकुलर सीजन में क्या होता है उसको पसंद नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या, वो पेशेंट
डिप्रेशन में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। अब स्टेजेस सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन, इसको कभी कभी लोग क्या टाइप्स में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर हो गया, सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिंड्रोम। माइल्ड सिम्टम डिप्रेशन मतलब कि थोड़े मोड़े सिम्टम देखने को मिल रहे, कभी कल के कभी सोच रहा है, दिन के लिए रहा, फिर अगले दिन क्या होगा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मॉडरेट क्या हो गया कि थोड़ी सी ज़्यादा उसमें दो दिन से ज़्यादा, छः सात दिन, आठ दिन के लिए, दस दिन के लिए क्या होगा उसको, आठ दिन के लिए क्या होगा वो पेशेंट जो है डिप्रेस में रहा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तीसरे कंडीशन में क्या होता है, सीवियर कंडीशन में जाते हैं जिसमें जो है उसको जो है महीनों डेढ़ महीने तक देखने को मिलता है। लास्ट में क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन होता है लेकिन साथ साथ में जो साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे होता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन की कंडीशन देखने को मिलती है, तो क्या होता है सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिंड्रोम होता है। स्टेज भी होता है सीवियरिटी ऑफ, और टाइप्स में इसको हम लिख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कॉज, कारण किसकी किसकी वजह से क्या होता है डिप्रेशन हो सकते हैं। पहला क्या, पर्सनालिटी। अगर पर्सनालिटी जो होती अगर डिस्टर्ब रहेगी, पर्सनालिटी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, तो अगर किसी से बात करने वाली पर्सनालिटी नहीं रहेगी, एक्सेसिव बात करने वाली पर्सनालिटी रहेगी, तो क्या अगर कम बात करेंगे तो भी डिप्रेस में हो सकते हैं, ज़्यादा बात करेंगे तो भी डिप्रेस में जा सकते, ज़्यादा कम बात करेंगे तो लोनलीस रहेंगे, लोनलीस रहेंगे तो कोई मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तो डिप्रेशन में पर्सनालिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या बोला गया कि डिप्रेशन के कोई एग्जैक्ट काज अभी तक दिया गया नहीं है। हाइपरथायरॉइडिज्म कंडीशन की वजह से हो सकता है, हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से हो सकता है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है, एबनॉर्मलिटी इन न्यूरोट्रांसमिटर की वजह से हो सकती है, जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, लाइफ इवेंट्स स्ट्रेस की वजह से होता है, जैसे डेथ होगा कोई लव वन की उसकी वजह से होता है, स्ट्रेस ट्रामा हो गया उसके वजह से, आइसोलेशन हो गया, लाइक सपोर्ट हो गया इसकी वजह से भी हो सकता है, मेडिकल कंडीशन जैसे इलनेस होगी, पेन हो गया, डायबिटीज मेलिटस हो गया, कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है, और मेडिकेशन को यूज़ कर लिया सर्टन टाइप के तो उसकी वजह से भी देखने को मिलता है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टर्बेंस की वजह से भी देखने को मिलता है। कुछ थ्योरी दी गई है वही कॉज की वजह से कि कैसे कैसे डिप्रेशन कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थ्योरी में क्या है, थ्योरी वर्ड जो पहला क्या है, बायोलॉजिकल कॉज, बायोलॉजिकल जो बताया था, बायोलॉजिकल मतलब क्या है, जो ह्यूमन नेचर, जैसे क्या होगा न्यूरो केमिकल चेंजेस या बायोकेमिकल चेंजेस, मतलब इसमें क्या जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो क्या होगा, या तो कम हो जाएगा तो उसकी वजह से देखने को, जैसे सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो देखने को मिलता है, डोपामिन कम हो जाएगा तो भी देखने को मिलता है, नॉन एपिनेफ्रिन कम हो जाएगा तो भी देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस इन दिस फैमिली इंडिविजुअल में, कि जो फैमिली इंडिविजुअल है उसके अंदर क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है फैमिली के अंदर, तो उसके अंदर क्या है उसको जो है डिप्रेशन देखने को मिलता है, एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन देखने को मिलता है। आगे हम देखते सोशियोलॉजिकल कॉज है वही जो जिससे हम प्यार करते हैं, फैमिली में कुछ डेथ हो जाए, मैरिज हो जाए, फाइनेंशियल लॉस हो जाए, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। और हमारा फोर्थ वाला है लर्न थ्योरी, हम जो कोई बार बार कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलता है। कम्युनिटी थ्योरी बताती है अगर हमको होपलेसनेस हो रहा है, हेल्पलेसनेस हो रहा है, वर्थलेसनेस हो रहा है, तो हमको क्या डिप्रेशन देखने को मिलता है। कोई भी जो है एक्सपेक्ट करते हैं अपने के बारे में, अगर नेगेटिव एक्सपेक्ट किए उसकी वजह से हो सकता है, नेगेटिव एक्सपेक्ट किए अपने फ्यूचर के बारे में उसकी वजह से हो सकता है, नेगेटिव एक्सपेक्ट किए अपने इन्वायरमेंट के बारे में उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। साइकोनॉटिकल थ्योरी बताती है डिप्रेशन जो होते किसकी वजह से होता है, कोई लव वन जो है उसकी डेथ हो जाए उसकी वजह से देखने को मिलता है। और आगे इसके साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। पहला है सैडनेस रहेगा, काफ़ी दुखी रहेगा, वो होपलेसनेस रहेगा, उसको वो किसी को विश्वास नहीं रहेगा, वो अपना विश्वास खो देगा, अपने को विश्वास नहीं रहेगा क्या करना है, ठीक है, वो कर ही नहीं पाएगा कोई चीज़, और करेगा भी तो बहुत ज़्यादा उसको वरीड, और उसको वरीड भी होता बहुत ज़्यादा, टेंशन होगी, चिंता होगी, नॉट इन्जॉइंग थिंग दैट गिव यू टू इन्जॉय, ऐसी थिंग जो इन्जॉय करने को मिलती है वो इन्जॉय वो थिंग्स हो क्या करने को उसको मिलती ही नहीं है। इजली क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, वर्क फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ईटिंग या तो कम खाएगा या तो बहुत ज़्यादा खाएगा, चाहे उसके स्लीप में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, उसके कंसंट्रेशन में भी चेंजेस हो जाएगा, और रिजम्बलिंग करेगा, रिमेंबरिंग करेगा थिंग्स को, ठीक है, जो कंसंट्रेशन करना चाहिए जितना कर पाना चाहिए घंटा दो घंटा वो कर नहीं पाएगा, या फिर जो है रिमेंबरिंग जो थिंग्स वो भी नहीं कर पाता है, उसके अंदर जो है एक्सपीरियंस जैसे क्या होता है, जैसे क्या होगा उसको कुछ फिजिकल सिम्टम है, जैसे क्या होता है हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, टायर्डनेस देखने को मिलता है। और क्या वो उसको जो है भविष्य को जो है थिंकिंग अबाउट
हर्टिंग वकील योर्स या समझे क्या होता है, वो सोचेगा कि कोई उसको हर्ट कर रहा है या किलिंग या खुद को वो मारेगा, ठीक है। थिंकिंग अबाउट हर्टिंग के बारे में सोचेगा कोई उसको दुख पहुँचा दिया या कि जो है अपने आप को किल करेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। पेशेंट को जो है सुसाइडल थॉट आएंगे, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है पेशेंट को, ठीक। पुवर्टी ऑफ आइडिया रहेगी उसकी, पुअर उसका मेमोरी फंक्शन रहेगा, मेंसुरल सेक्सुअल डिस्फंक्शन रहेगा उसके अंदर, एनर्जी लेवल डिक्रीज रहेगा उसका। और क्या है, इसके दो इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं क्या, एक ओमेगा साइन जो हमारे जो है फोरहेड होता है उसके ऊपर जो क्या होता है दोनों आग के बीच के ऊपर जो है ऐसा क्या ओमेगा की तरह एक बन जाता है, ठीक है। बेरा गाउस साइन देखने को मिलता है, एंजाइटी देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, डिलीजन मिलेगा, हेलुसिनेशन मिलेगा, डिलीरियम मिल सकता है पेशेंट को। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसका डायग्नोसिस बता सकते पहले क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे फैमिली का, इंडिविजुअल का। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन करके देखेंगे उसका कैसा बिहेवियर चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ को हम ठीक पता लगाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, अगर किसी प्रकार डिजीज की वजह से जो होता है हो रहा है तो उसमें भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी करा सकते हैं उसके अंदर, T3 T4 TSH करा सकते हैं, सेक्रेटरी की बिल्सन कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कुछ उसके सिम्टम के बारे में, क्या उसको शो हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसको थॉट के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, बिहेवियर के बारे में। DSM-5 में डायग्नोसिस एंड स्टैटिक मैनुअल जो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो दिया था उसके थ्रू हम कर सकते हैं। पर्सनल ट्रिब्यू ले सकते हैं उसका, क्लिनिकल डिप्रेशन जो होता है मेडिकल इलनेस की वजह से या कुछ की वजह से होते हुए कैंसर की वजह से हो सकता है, HIV की वजह से होता है, तो उस चीज़ को हम इवेल्युएट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ट्रीटमेंट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद।